गुलबर्गा रिंग रोड शादा फंक्शन हॉल के अपोजिट इम्प्रेशन डेंटल क्लिनिक में बेसल इम्प्लांट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप सिर्फ 3 से 5 दिनों में पूरी मजबूती के साथ दांत लगवा सकते हैं। अब तक यहां सिर्फ कन्वेंशनल इम्प्लांट ट्रीटमेंट हो रहा था, जिसको लगाने के लिए पहले स्क्रू बिठाया जाता है और 3 महीने बाद दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर अलीम पिछले 15 साल से गुलबर्गा रिंग रोड शादा फंक्शन हॉल के अपोजिट इम्प्रेशन डेंटल क्लिनिक चला रहे हैं और काफ़ी तजुर्बेकार डेंटिस्ट माने जाते हैं। डॉक्टर अलीम ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए कन्वेंशनल इम्प्लांट और बेसल इम्प्लांट के बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर बताया। जिस किसी को इम्प्लांट लगवाने की ज़रूरत है तो आप इम्प्रेशन डेंटल क्लिनिक को विजिट कर डॉक्टर अलीम से रब्ता कर सकते हैं। इम्प्रेशन डेंटल क्लिनिक में हिजामा और हेयर ट्रीटमेंट भी किया जाता है। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल करें या फिर आप रिंग रोड शादा फंक्शन हॉल के अपोजिट डेंटल क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ गुलबर्गा हेडलाइंस। मायसेल्फ डॉक्टर अलीम, मैं काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से मेरा रिंग रोड शादा फंक्शन हॉल के अपोजिट मेरा क्लिनिक है, इम्प्रेशन डेंटल क्लिनिक। जैसे एक नॉर्मल डेंटल क्लिनिक में होता है, जैसे दांत जिसके सड़ जाते हैं उसमें फिलिंग होता है, दांत की क्लीनिंग होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्शन, इम्पैक्शन, जो अखलदाड़ जैसे बोलते हैं कॉमनली, जो अखलदाड़ निकालने को इम्पैक्शन बोलते हैं, तो वो इम्पैक्टेड दांतों को निकालते हैं। यहाँ पे सर्जरीज होती है, माइनर सर्जरीज, जैसे सिम्फाइसिस फ्रैक्चर, मतलब ये एरिया में अगर फ्रैक्चर है, अगर बड़ा फ्रैक्चर है तो उसको OT में करना पड़ता है। सिंपल फ्रैक्चर्स भी यहाँ पे होते हैं। अभी हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की है, वो है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में भी अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे कि बेसल इम्प्लांट होता है, कन्वेंशनल इम्प्लांट होता है। बेसल इम्प्लांट में एक चीज़ क्या है, ज़्यादा आदमी को टाइम गुजारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 3 से 5 दिन में आपके मुंह में दांत रहते हैं। बेसल इम्प्लांट जो लगाते हैं स्क्रू से हड्डी में फिट करके स्क्रू, उसके ऊपर दांत लगाते, within 3 to 5 डेज होता है। कन्वेंशनल इम्प्लांट में भी जल्दी लोड कर सकते हैं, लेकिन उसका बेटर तरीका यह है कि 3 महीने वेट करना पड़ता है पेशेंट को स्क्रू लगाने के बाद। वो जो स्क्रू है हड्डी को पकड़ने, अच्छा पकड़ने के बाद उसके ऊपर से हम दांत लगा देते हैं। तो वो ज़्यादा अभी चलन में है, वो बेसल इम्प्लांट और कन्वेंशनल इम्प्लांट जो है अभी चलन में है। तो हम लोग ऊपर एक सर्जिकल सेक्शन है हमारे, जो नीचे हॉस्पिटल है ऊपर भी हम लोगों ने खास उसके लिए बनाया है। तो हम चाहते हैं कि एज मच एज मॉडर्नाइजेशन हो गुलबर्गा में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाए पिए और हेल्दी रहे। सर, ये तो हो गया, इसके अलावा और क्या? यहाँ पर मेरे मिसेस भी रहते हैं, तो वो उनके हिसाब से जो ट्रीटमेंट करते हैं, हिजामा भी होता है, मेल्स को मेल करते हैं, फीमेल को फीमेल हिजामा एक्सपर्ट्स है वो लोग करते हैं। और हाइट ग्रोइंग वेट लॉस का भी ट्रीटमेंट होता है यहाँ। बहुत इजी एड्रेस है, महबूब नगर ओपोजिट शादा फंक्शन हॉल, मेन रोड, रिंग रोड। और ऊपर हमारे आसपास है HBM लाइट हाउस है और बाजू बेंगलुरु हार्डवेयर है, हम लोग उसके बीच में।